कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम सो के उठे हैं, फिर से नहाए हैं, क्योंकि मौसम उतना धूप नहीं है बट इतनी गर्मी, उमस वाली, बहुत गंदी वाली गर्मी। तो ये देखिए कंबल वैसे पड़ा हुआ है, अब इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद शाम को बजने वाले हैं 6:30 और चल रहे हैं माता रानी का दीपक जलाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरा पूरा ब्लॉग आप लोगों के लिए है और आप लोग इंजॉय करिए इस ब्लॉग को। तो दोस्तों चलते हैं छत पे, अब देखते हैं पेड़ों की कंडीशन कैसी है, क्योंकि धूप भी निकला था, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं था और पानी भी डालने वाला था। और वैसे साग खोट के लाएंगे बनाने के लिए। तो किसको किसको घर की सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, मतलब जो घर पे उगे हुए होते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है और उस सब्जी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। आप लोगों को दिखाते हैं अभी, मैंने उसको पानी में ग्रो किया था, नारी के साग को, बहुत अच्छा सा ग्रो हुआ है। ओके, हम जा रहे हैं नारी को तोड़ने और इसकी बनाएंगे हम सब्जी। ये देखिए पिछली बार हमने यहाँ से कट किया था, ये को ऐसे तोड़ा जाता है। घर की जो सब्जी होती है उसकी बात ही अलग होती है। और थोड़ा सा खरीद के भी लाए थे, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। और आज तो गर्मी तो बहुत है, पूजा कर लिया है ये देखिए। और अब चल रहे हैं भुट्टे की बनाने पकौड़ी, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा बनता है। तो ये देखिए हमने चाकू की मदद से सब बिल्कुल छील लिया है इसको। तो हमने यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन, ये देखिए इतना क्वांटिटी में छील लिया है, इसको हम पीसेंगे। और ये मक्का है, इसको भी थोड़ा सा पीस लेंगे और थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए इतना स्मूथ सा टेक्सचर हो गया तैयार। अब हम इसमें किचन की लाइट थोड़ी सी ब्लिंक हो रही है, पता नहीं क्यों,
ये जो थोड़ा सा खड़ा था इसे हमने रखा था, इसको इसी में मिक्स कर देंगे ताकि जब हम पकौड़े बनाएं तो ये इधर उधर फैले ना, एक ही में चिपक जाए। अब इसमें हम डालेंगे नमक और हरी धनिया, एक कटा हुआ हरी मिर्च, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा करके पीस रखा है, और जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। उसके बाद तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये हमने सारा पेस्ट तैयार कर लिया और अब हम जा रहे हैं मक्के की पकौड़ी बनाने। ये हमारी पकौड़ी बन गई है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि वैसे भी मक्का मेरा तो फेवरेट है, और आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इधर बन गई है चाय। हम बनाने जा रहे हैं दाल, एक चाय की दाल बना लेंगे। ये दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए हमारी पकौड़ी हो गई है बनके रेडी, देख सकते हैं आप लोग। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, एक बार घर में जरूर ट्राई करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप सब लोग मुझे वैसे ही बहुत सपोर्ट कर रहे हो, और हम चाहते हैं कि आप लोग और मेरा सपोर्ट करें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट।